जय जिनेन्द्र वंदे तो सव सिद्धे धुवमल मनोगमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में यह बात हो गई है कि आत्मा जो भाव करता है वह उन भावों का कर्ता होता है। निश्चय से शुद्ध, निश्चय से शुद्ध भावों का, अशुद्ध निश्चय से रागादि अशुद्ध भावों का कर्ता होता है, और व्यवहार से कर्म आदि या अन्य पुद्गल द्रव्यों का कर्ता होता है। ये गाथा हमने पढ़ी। इसके बाद फिर मिथ्यात्वी या अज्ञानी की धारणा कैसी होती है ये भी बताया गया था पिछली ज्ञानशाला में। उसकी धारणा कैसी होती है कि जितने भी संसार में सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त द्रव्य हैं उनके बारे में मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसी धारणा उसकी रहती है। वह अपने को अन्य परद्रव्यों से जोड़ कर रखता है। आज अब उसके आगे और बताएंगे। पहली पाठशाला में, ज्ञानशाला में तो ये बताया था कि वर्तमान काल की अपेक्षा, अब बताएंगे भूत और भविष्यत काल की अपेक्षा उसकी धारणा कैसी रहती है। गाथा नंबर निकालिए 26। आसि मम पूर्वमेदम्, आसि मम पूर्वमेदम्, ए अहमेदम् च विपूर्वकालम् मे, अहमेदम् च विपूर्वकालम् मे, हो हि दिपुणो विमज्जम्, हो हि दिपुणो विमज्जम्, अहमेदम् च विहोसामि, अहमेदम् च विहोसामि। बोलिए, आसि मम पूर्वमेदम्, अहमेदम् च विपूर्वकालम् मे, हो हि दिपुणो विमज्जम्, अहमेदम् च विहोसामि। गाथा का अर्थ समझते हैं। आसि मने था, मम मने मेरा, पूर्वम एदम पूर्व में यह, क्या मतलब हुआ? यह पूर्व में मेरा था। अब भूतकाल की अपेक्षा चर्चा हो रही है कि भूतकाल के संबंध में अज्ञानी की धारणा कैसी रहती है। आसि था, मम माने मेरा, पूर्वम इदम पूर्व में यह, अहम एदम चाबी मैं था, अहम एदम चाबी मैं यह, चाबी माने फिर से या और भी, पूर्व कालमी पूर्व काल में था। क्या मतलब हुआ? यह पहले मेरा था, मैं पहले इसका था, भूतकाल के बारे में। अब आइए आगे और चलें भविष्यत काल के बारे में। हो ही दी होंगे, होगा, पुणो भी फिर से, मध्यम मेरा, यह पदार्थ मेरा फिर से होगा, अहम एदम अर्थात मैं यह है, चा भी माने और भी, हो सामी होऊंगा। समझते हैं जरा क्या धारणा बन रही है अज्ञानी जीव की। वर्तमान काल में मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, वर्तमान काल की अपेक्षा।
पदार्थ कितने प्रकार के हैं? सचित्त जीव पदार्थ, अपने स्त्री पुत्र आदि, अचित्त अजीव पदार्थ, मकान गाड़ी बंगला आदि, सचित्त अचित्त आभरण सहित स्त्री, पुस्तक सहित शिष्य, कमंडलू सहित मुनिराज, ऐसे तीन प्रकार के पदार्थ। पहले तो मिथ्या दृष्टि की धारणा ये रहती है, मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, और यह मेरा है, मैं इसका हूँ, वर्तमान काल में। अच्छा, भूतकाल के पदार्थों में धारणा कैसी रहती है? देखें, मैं पहले यह था, यह पहले मेरा था, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले यह था, यह पहले मेरा था, भविष्यत काल में मैं फिर से यह मेरा होएगा और मैं आगे फिर भी इसका होऊंगा। वर्तमान काल में हूँ की अपेक्षा, भूतकाल में था की अपेक्षा, भविष्यत काल में गा की अपेक्षा, तीन तरह से अज्ञानी की धारणा रहती है। एक बार फिर समझ लें, भूतकाल की अपेक्षा, पहले यह पदार्थ मेरा था और मैं इसका पहले था, भविष्यत काल में यह मेरा फिर से होगा, मैं इसका फिर से होऊंगा, इस तरह की धारणा मिथ्या दृष्टि की रहती है। आइए अर्थ देखते हैं इसका। पूर्व में यह मेरा था और पूर्व काल में मैं भी यह था, ये मेरे फिर से होंगे और मैं भी यह होऊंगा, यह भविष्यत काल की अपेक्षा लिखा। किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव की धारणा सांसारिक तीन प्रकार के पदार्थों में कैसी रहती है, वो यहाँ आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में खुलासा करके समझाया है। पंडित जी, अगर यह चिंतन व्यवहार ने की अपेक्षा हो तो क्या आपत्ति है? व्यवहार ने की अपेक्षा कोई आपत्ति नहीं। व्यवहारने को वास्तविकता मानने वाले जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। यह मकान मेरा है व्यवहारने से, लेकिन अगर मेरी धारणा यही बनी रहेगी यह मकान मेरा है तो मिथ्या दृष्टि हूँ। मेरी धारणा दोनों बनेगी, यह मकान मैंने बनवाया, मैंने खरीद लिया, इसलिए मेरा है, लेकिन वास्तव में ये तो पुद्गल है, मैं तो जीव हूँ, ना तो मैं यह हूँ ना यह मैं हूँ, मैं कभी मकान नहीं, मकान कभी मैं नहीं, न मेरा कभी मकान है न मकान मेरा है, न मेरा मकान है न मैं मकान का हूँ। धारणा ये सही है। ये जो तीन गाथाएं आचार्य ने लिखी हैं, ये लिखी है कि अगर व्यवहारने की अपेक्षा अपनी धारणा बना लेते हैं तो हम मिथ्या दृष्टियों में गिने जाते हैं। धारणा कैसी बनानी पड़ेगी? धारणा बोलने में तो व्यवहारने की आएगी, लेकिन मान्यता कैसी होगी? निश्चयने के अनुसार होगी। निश्चयने के अनुसार कैसी बनेगी मान्यता? पूर्व में ना यह मेरा था ना मैं इसका था, आगे भी ना मैं इसका होऊंगा ना ये मेरा होगा। क्यों? मेरा तो मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं ही रहूँगा, अन्य मेरा ना है ना था ना होगा। ये धारणा सत्य धारणा है। जरा आप स्वयं भी सोचिए, सच क्या है? सच यही है कि नहीं, ये मकान पहले आपका था, आपने अब बेच दिया, तो व्यवहार ने से आपका था। वास्तव में अगर आप जीव द्रव्य हैं तो न मकान आपका हो सकता है न आप मकान रूप हो सकते हैं। यहाँ अपनी मान्यता को शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।
पहले एक गाथा में इन्होंने कह चुका, आचार्य महाराज ने कह चुके हैं कि कर्म और नो कर्मों में यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी धारणा जब तक है तब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी होता है। अब अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बनना है, अज्ञानी को ज्ञानी कैसे क्या सोचना है, अज्ञानी की धारणा कैसी होती है, ज्ञानी की धारणा कैसी होती है, ये समझाया जा रहा है। हमारी अनादिकाल से धारणा ऐसी ही रही है, मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, मैं शरीर हूँ और शरीर ही तो मैं हूँ, ये धारणा मिथ्या दृष्टि की है। धारणा कैसी बनाएगी, न मैं शरीर हूँ, न शरीर मैं हूँ, न मेरा शरीर है, न शरीर मेरा है, दोनों। भूतकाल में कैसे बनेगी, ना यह मेरा था, न मैं इसका था। भविष्यकाल में, ना ये मेरा कभी होगा, मैं भी इसका कभी भी नहीं होऊंगा। पुद्गल पुद्गल रहेगा, जीव जीव रहेगा, मेरा आत्मा इन सब से भिन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा मात्र है। पंडित जी, ऐसी धारणा रखने में आपत्ति क्या है? जब तक ऐसी धारणा रहेगी तब तक यह अज्ञानी जीव सुखी दुखी होता रहेगा। आपने माना यह मकान मेरा है, ठीक, अब मकान गिर गया, जल गया, आप कैसे मानोगे, मैं जल गया, मैं मर गया, तो दुखी होगा, आपको दुखी दुख होगा। अगर आपने ये माना यह मकान मेरा नहीं था, जल गया तो जल गया, न मेरा था, न मैं इसका था, इससे जलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो सामने जो पुद्गल था उसकी पर्याय बदली, तो क्या होगा, सुख दुख नहीं होगा। सुख दुख किसे होता है, सुख दुख अज्ञानी को होता है। जो अज्ञानी आत्म स्वरूप को नहीं जानता वो सुखी दुखी होता है। पिताजी का या बेटे का स्वर्गवास हो गया तो वो कहता है बेटा मेरा था, अब क्या होगा मेरा, मैं तो मर गया, नहीं ऐसे नहीं। ज्ञानी क्या सोचता है, इस बेटे की आयु इतनी ही लिखी थी, इसको ऐसे ही जाना था, इसी माध्यम से ये चला गया, इसमें क्या गलत हुआ, कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे ही होना था क्योंकि इसकी आयु इतनी थी, आपत्ति क्या है। अगर ऐसा मानेगा ना तब सुख दुख नहीं होगा, अन्यथा तो जीवन भर सुखी दुखी बनता रहेगा। पंडित जी, हम सब की तो यही धारणा होती है, तो क्या हम सब अज्ञानी हैं? आचार्य ने अपनी 4 नंबर की गाथा में कितनी अच्छी तरह हमें बताया, हमने अनादिकाल से क्या किया, हमने अनादिकाल से आज तक काम भोग और बंद की कथा सुनी और कुछ नहीं। ये जो अन्य सबसे भिन्न शुद्ध आत्मा की चर्चा है वो हमें कभी मिली नहीं, और मिली भी तो हमने उसे स्वीकारा नहीं, इसीलिए तो अनादिकाल से हमारा भ्रमण हो रहा है। अगर हमारी ऐसी धारणा है कि मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, तो निश्चित रूप से अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और एक बात और सुनिए, अगर आज समय सार जी की इन गाथाओं को सुनने के बाद भी अगर सुनने वाले श्रोतागण, आप सब, हम सब अगर अपनी मान्यता नहीं बदलते हैं तो आज मिथ्या दृष्टि है, हमारा अभी अनंत संसार शेष है। हमें करना क्या है, हमें ये करना है, आचार्य कुंद महाराज की कितनी दया है, जो हमें समझा रहे हैं कि हे प्राणी, ऐसी धारणाओं को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हाँ, ऐसी धारणा को हम आज ही छोड़ते हैं। आज का ही एक प्रसंग है, आज मुझे अचानक एक कार्य के लिए एक हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास बैठा था, डॉक्टर के पास एक पेशेंट था, कुल 35 वर्ष की उम्र थी, हट्टा कट्टा, उसकी एक बार बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उनसे कहा, तुम सिगरेट तो नहीं पीते हो? बोले, मैं चेन स्मोकर हूँ।
अब क्या दिक्कत है? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा, तुम्हारी तबीयत कभी ठीक नहीं रहेगी। जब तक तुम चेन स्मोकिंग करोगे, तुम्हारी तबीयत ठीक कैसे रह पाएगी? इसलिए इसको छोड़ दो। वो क्या कहता है, डॉक्टर साहब चाहे आप कितनी दवाई दे लो, चाहे मर जाऊं, पर सिगरेट नहीं छोड़ सकता। सिगरेट तो मैं पीता हूं, दिन में 150, वो तो पीऊँगा। इसी तरह अगर हम और आप इतना सुनने के बाद भी अपनी धारणा नहीं बदलेंगे तो हमारा अनंत संसार है, या तो हम अभव्य हैं या घोर मिथ्या दृष्टि। लेकिन मैं समझता हूँ जो समय सार सुनने वाले हैं वो ऐसे नहीं हैं। आचार्य कुंद कुंद की इतनी प्यारी वाणी सुनने को मिल रही है, हमारा आपका कर्तव्य है हम अपने आप स्वयं को बदल डालें कि नहीं, आज तक हमारी धारणा थी, आज से ये धारणा हम बदलते हैं। हमने एक दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज को पूछा, महाराज जी हम अपने बेटे को अगर अपने घर में पालेंगे तो यही तो मानेंगे कि ये मेरा बेटा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं। तो महाराज क्या मान के पाले? क्यों, पड़ोसी का बेटा मान के पालो ना, आपत्ति क्या है? पड़ोसी के बेटे का तुम पूरा ध्यान रखते हो, रखते हैं तो बेटे का ध्यान रखो, लेकिन ये मेरा है ये मत करो। तिजोरी में अगर आपका पड़ोसी यात्रा पे जाते समय कुछ ज्वेलरी आपको दे गया है और उसमें रखी है, आपने तिजोरी बंद कर दी है, उसकी सुरक्षा पूरी है, लेकिन आपका चित्त क्या बोलता है, ये मेरे पास रखी है पर मेरी नहीं है, उसी तरह मैं इसका पालन पोषण करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, पर वास्तव में ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, ये कर्तव्य निर्वाह हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी हो, धारणा हमें अपनी बदलनी पड़ेगी, और समय सार सुनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ज्ञानी बनाने की इससे बड़ी और दवा है नहीं। इस गाथा नंबर 26 का पद्यानुवाद देखें। मैं भी रहा विगत में इसका यथा था, मेरा रहा नियम से यह भी तथा था, मैं भी नितांत इसका यह भी बनेगा, मेरा भविष्य भर में क्रम यों चलेगा। आइए अब गाथा नंबर 27 देखते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान में ऐसी धारणा रखने वाला जीव कैसा होता है? कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं देखें। एवं तु असंभूतम्, एवं तु असंभूतम् आदव्यपं करेदि सम्मूढो, आदव्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्थं जानन्तो, भूदत्थं जानन्तो न करेदि दुतं असम्मूढो, न करेदि। बोलिए। एवं तु असंभूतम् आदव्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्थं जानन्तो न करेदि दुतं असम्मूढो। गाथा का अर्थ देखते हैं। एवं इस प्रकार, तू माने तो, असंभूतम मिथ्या, क्या मतलब, अवास्तविक, आद्वियपम आत्मविकल्पों को, अपनी धारणाओं को करेदि करता है, वो क्या होता है, सम्मूढ़ो, जो मूढ़ है, मिथ्यात्व से सहित है, अज्ञानी है।
अर्थात मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, मैं इसका हूँ, यह मेरा है, मैं इसका था, ये मेरा था, मैं इसका होऊंगा, ये मेरा होगा। कोई भी सचित, अचित और मिश्र पदार्थ, संसार में तीन ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। अगर ऐसी धारणा है तो आचार्य क्या कह रहे हैं, एवं तो असंभूतम, इस प्रकार तो जो मिथ्या आद्वियप्पम आत्मविकल्पों को करेदि करता है सम्मूढ़ो, वह अज्ञानी है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। अभी इसका संसार बहुत बाकी है। भूदत्थम जानन्तो, और भूदत्थम परमार्थ को, वास्तविकता को, सामान्य को जानन्तो, जो जानता है वह न करे दिदुतम असम्भूणो, और उसे ऐसा नहीं करता है, वह ज्ञानी है। जिसकी मान्यता यह है, मैं यह नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मैं इसका नहीं था, ये भी मेरा नहीं था, मैं इसका कभी नहीं होऊंगा, ये मेरे कभी नहीं होंगे, जिनकी धारणा ऐसी है, क्या लिख रहे हैं नीचे, भूदत्थम जानन्तो, जो भूदार्थ निश्चयने को जानने वाले हैं, तम न करेदी, वे ऐसी धारणा नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, असम्मूढ़ हो, ये ज्ञानी हैं, ये सम्यक दृष्टि है। अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो जैसा आचार्य कह रहे हैं, इन सब धारणाओं को हटा के हम धारणा बनाएं, मैं तो जीव मात्र, जानने देखने वाला एक जीव तत्व मात्र हूँ, अन्य कोई मेरा नहीं, ना मैं किसी अन्य का हूँ, न था न होऊंगा। ऐसी धारणा अगर हम बदल लेते हैं तो हमारा नाम ज्ञानियों में आ जाता है, हम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अर्थ देखें, इस प्रकार जो आत्मविकल्प करता है, आत्मविकल्प माने तरह तरह के अपने चिंतन बनाता है, वह अज्ञानी है। और परमार्थ माने वास्तविकता को जानने वाला, निश्चयने को जानता हुआ, जो उसे नहीं करता है, अर्थात ये पदार्थ मेरे हैं, न थे न होंगे, मैं इसका न था न हूँ न होऊंगा, ऐसी धारणा बनाता है तो वे ज्ञानी है। पंडित जी, इस धारणा को कैसे बदला जा सकता है? जिनवाणी माता का काम हमें और आपको समझाने का है, बताने का है, लेकिन बदलना तो हमें ही पड़ेगा। धारणा बदलेगी कैसे? जैसे इस समय समय सार पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज के वचन हमारे कानों में पड़ रहे हैं, हम इसको समझें, समझने के बाद चिंतन करें कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, और चिंतन करने के बाद इसको स्वीकार कर लें, पुरानी धारणा को छोड़ दें, और फिर कभी हमारा कहा जाने वाला कोई पदार्थ नष्ट होता है तो इसमें जरा रंच मात्र भी राग द्वेष सुख दुख नहीं माने। अगर ऐसा करेंगे तो ये धारणा हट जाएगी, हम ज्ञानी बन जाएंगे, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। ऐसा सदैव पर को निज मान लेता, होता तभी दुखित हो वह मूढ़ नेता, पे मूढ़ता न करते मनोक्ष जीता, वे धन्य धन्य मुनि है निज तत्ववेता। जय जिनी।